नमस्कार हिमाचल अभी के न्यूज रूम से मैं पल्लवी शर्मा पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। दुबई से हिमाचल को मिला सहयोग का आश्वासन, पर्यटन रियल एस्टेट पर गंभीर चर्चा। 3 जुलाई को होगी जयराम कैबिनेट की बैठक, कई अहम मसलों पर भी होगी चर्चा। कुलदीप राठौर बोले, बंजार हादसे में परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर की क्लीन चिट बस ऑपरेटर को बचा रही है। छात्रा से दुराचार के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल स्टाफ वापस भेजा, दूसरे स्कूल के साथ थाना प्रभारी ने पढ़ाए बच्चे। धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे की डेडलाइन तय, अगले साल इसी महीने तक करना होगा इंतजार। चरस रखने के आरोपियों को 10-10 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया। माल रोड पर लंच करने पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी, आम लोगों के साथ ली सेल्फी। आज हुई बारिश, जुलाई के पहले सप्ताह हिमाचल में दस्तक दे सकता है मानसून। अब समाचार विस्तार से। यूएई ने हिमाचल को चैम्बर इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन के लिए भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया है। वहीं हिमाचल सरकार उन परियोजनाओं की सूची दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उपलब्ध करवाएगी जिनमें निवेश की अधिक संभावनाएं हैं। ये चर्चाएं आज हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर और उद्योग मंत्री विक्रम सिंह के नेतृत्व में दुबई में यूएई के पर्यावरण बदलाव एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर थनी अल जियोदी से भेंट के दौरान हुई। इस दौरान पर्यटन व रियल एस्टेट क्षेत्रों में सहयोग पर भी गंभीर चर्चा हुई। जयराम कैबिनेट की बैठक 3 जुलाई को दोपहर बाद 3 बजे होने निश्चित हुई है। बैठक की अध्यक्षता सीएम जयराम ठाकुर करेंगे। सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में होने वाली इस बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए जाएंगे। मसलन ट्रांसफर को लेकर सरकार कुछ ऐसा करना चाहती है कि इसका बोझ कम हो सके। जाहिर है कि इन दिनों सीएम जयराम दुबई दौरे पर हैं और वे वहां पर कई उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम जयराम के वापस आने के बाद कैबिनेट मीटिंग होगी। बंजार बस हादसे को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने जयराम ठाकुर पर हमला बोला है। राठौर ने कहा कि इस हादसे के बाद परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इसके उलट परिवहन मंत्री ने बस मालिक को क्लीन चिट दे दी, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि बस ऑपरेटर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। राठौर ने कहा कि सीएम ने इस हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है। अंब के एक सरकारी स्कूल में छात्रा से दुराचार मामले में सोमवार को ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रधानाचार्य सहित स्कूल स्टाफ को अंदर जाने नहीं दिया गया। ऐसे में मजबूरन शिक्षक व प्रधानाचार्य वापस लौट गए। वहीं मौके पर पहुंची कार्यकारी जिला उच्च शिक्षा उपनिदेशक कमलेश कुमारी के निर्देश के बाद उपमंडल के ही एक सरकारी स्कूल से कुछ अध्यापकों को बुलाकर उक्त स्कूल में पढ़ाई को शुरू करवाया गया। स्कूल में शिक्षकों की कमी को देखते हुए थाना प्रभारी अंब गौरव भारद्वाज ने करीब 1 घंटे तक बच्चों की क्लास ली। शेष समाचार ब्रेक के बाद। असंगठित क्षेत्र कने कामगारां दे कल्याण लई भारत सरकारे प्रधानमंत्री श्रमयोगी जनधन पेंशन योजना शुरू कीती है। श्रमिक कने घरेलू कामगार, रेड़ी पटरी ठेले आले कने सिरे पिठी पर बोझा ढोने वाले मजदूर, मनरेगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर कने मिड डे मील वर्कर औरां इसा योजना दा लाभ उठाई सकदे हन। इसा योजना कने जुड़ने ताई श्रमिका जो अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र च आधार कार्ड कने बैंक खाते दी कॉपी सोगी लेके जाना जरूरी है। एथू जाई करी तुहां दा मुफ्त पंजीकरण होना। इसा योजना च शामिल होने ताई तुहां दी महीने दी कमाई 15,000 रुपए कने उम्र 18 ते 40 साल दे बीच होना चाहिदी। इसा योजना च शामिल होने आले लाभार्थियां जो घट ते घट 55 रुपए कने ज्यादा ते ज्यादा 200 रुपए देना पौने कने 60 साल पूरे होने ते बाद तिना जो 3,000 रुपए महीने दी पेंशन मिलनी। यानी जितने पैसे तुहां अपने खाते च पाने उतने ही सरकारा भी तुहां दे खाते च जमा करने। ए परिवार पेंशन होनी कने जेड़ा पैसा जमा करा दा यानी जेड़ा अंश धारक है उसके मरने बाद उसके जीवन साथी जो 50% पेंशन मिलनी। श्रम कने रोजगार विभाग द्वारा जनहित जारी। 7 दिन के प्रवास पर शिमला पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी अपनी पुत्री प्रतिभा आडवाणी के साथ सोमवार को माल रोड पर लंच करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिलो बैंक होटल में खाना खाया और लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाई। इस दौरान लोगों के बीच आडवाणी के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ मची रही। बताया गया कि आडवाणी वहां पर करीब 1.5 घंटे तक लंच के लिए रुके रहे। इससे पहले रविवार को आडवाणी अपनी बेटी के साथ नालदेहरा की सैर करने गए थे। धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक बनने वाले रोपवे का निर्माण कार्य अगले साल 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। ये बात डीसी राकेश प्रजापति ने आज धर्मशाला में कंपनी प्रतिनिधियों तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक के बाद कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा चामुंडा मंदिर से आदि हिमानी चामुंडा देवी मंदिर तक बनाए जाने वाले लगभग 6 किलोमीटर हवाई दूरी वाले रोपवे के निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले पूर्ण करने वाली सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी आर के शर्मा की अदालत ने दो चरस तस्करों को 10-10 साल कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। इसके अलावा दोनों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना भरने के आदेश अदालत ने दिए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत पर 1-1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोनों चरस तस्करों से 1 किलो 306 ग्राम चरस पकड़ी गई थी। 18 जनवरी 2016 को पुलिस टीम ने सुंदरनगर के पास चौमुखा में दोनों से चरस बरामद की थी। कई दिनों से बेतहाशा गर्मी की मार झेल रहे हिमाचल वासियों पर आज बारिश के रूप में राहत की फुहार बरसी। हालांकि थोड़ी देर के लिए हुई इस बारिश ने उमस को और बढ़ा दिया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक कल भी प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश होगी, लेकिन उसके अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेशवासियों को गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में मानसून जुलाई के पहले सप्ताह में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग निदेशक मनमोहन सिंह ने आने वाले 2 माह में हिमाचल प्रदेश में अच्छे मानसून के चलते अच्छी बारिश होने के संकेत भी दिए हैं, जो कि बीते दिनों में हुई बारिश को भी पूरा करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.himachalabhiabhi.com एवं हिमाचल अभी अभी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार।